हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, जिस वीडियो का इंतज़ार आप लोगों को था, आई मीन 10-15 सब्सक्राइबर्स को जो मेरे है उनको था, तो यार मैं उनको दिल से सॉरी बोलूँगा, क्योंकि यार मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका, क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ को मोस्टली रात को ही देखना पसंद करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हॉरर मूवीज़ का सही वक्त है रात को देखने का, और कोशिश करो कि आप उस पर्टिकुलर मूवी को अकेले देख सके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल द कॉन्जूरिंग डेविल मेड मी डू इट, ये मूवी को आप रात को अकेले बैठ कर देखो, और ये सेम मूवी को आप दिन में सबके साथ बैठ कर देखो, तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल भी डिफरेंट होगा। यकीन मानो, एक बार ट्राई करके देख लेना। खैर, अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ 1 आवर 51 मिनट की है, जो कि आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलती है। और अब ये HD प्रिंट में कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि रियल में हो चुका है 1981 में। ये एक ऐसा इनफेमस केस है जो कि अमेरिका में हुआ था। एक बंदा आर्नी जॉनसन, जिसके ऊपर एक दूसरे बंदे का मर्डर का चार्ज था, और इसने उस बंदे को 22 बार चाकू से खपा खप घोप के मार दिया था। लेकिन कोर्ट में इसने एक चीज बोला कि भाई, इसने वो खून नहीं किया, बल्कि इसके अंदर का एक डेमन है, यानी कि उस वक्त पोजेस हो गया था, तो उस डेमन ने ये सारी चीज़ें की है, ना कि ये उस बंदे ने किए। तो यहाँ पर एंट्री होती है एड एल लॉरेन की। वो लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं कि भाई, जैसे गॉड एग्जिस्ट होता है वैसे ही डेमन भी एग्जिस्ट होता है, क्योंकि चर्च वाले तो ये मानते हैं कि डेमन होता है, लेकिन कोर्ट वाले ये चीज़ें नहीं मानते मेरा भाई। तो अब वो लोग इस मूवी में किस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते, कैसे सारी चीज़ें होती है, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। खैर, इस मूवी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के अगर आप लोग बहुत बड़े फ़ैन हो, तो इस बार जो उसके डायरेक्टर है माइकल चेव्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्ज्यूरिंग की इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया है, यूनिक मूवी आपके सामने प्रेजेंट की है। ये मूवी किसी घर में शूट नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर आपको हॉन्टेड घर देखने को नहीं मिलेगा। ये मूवी को कुछ इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो ऑडियंस को थोड़ा सा एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके अलावा जब हम लोग कोई हॉरर मूवी देखते तो उसके जंप स्केयर सीन्स के लिए देखते, तो यहाँ पर वो जंप स्केयर सीन इतने नहीं, या फिर आप कह सकते हो ना के बराबर है, लेकिन जो एक एटमोसफियर क्रिएट किया और जिस लेवल की कहानी आगे बढ़ती है ना, वो अपने आप में ही इस पर्टिकुलर मूवी को दूसरी कंजूरिंग मूवी से पूरी डिफरेंट बनाती है, और यहाँ पर ही मुझे मज़ा आ गया। क्योंकि अगर आप लोग एक ऐसी हॉरर मूवी बनाओगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंप स्केयर सीन डालोगे, कहानी के नाम पे नील बटर सन्नाटा होगा, तो वो मूवी देखने का मतलब है। तो आप लोग ये चीज़ भी एक्सेप्ट करो यार, कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ हॉरर मूवीज ऐसी होती है जहाँ पर जंप स्केयर सीन नहीं होते, लेकिन जो उसकी कहानी होती है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है यार, उस पर भी फोकस करना चाहिए, जो कि ये मूवी बहुत अच्छी तरह से करती है। उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड था, और विजुअली मुझे बहुत अच्छे लगे। वो आपको डराता भी है और कुछ अलग दिखाता भी है। एक जगह जब लॉरेन उस फॉरेस्ट में हमें नजर आती है, वहाँ पर जिस तरीके से वो दिन से रात हो जाती ना, वो यार इतना गजब का सीन लगा, और वहाँ पर जो जो चीज़ें बताई है ना, मज़ा आता यार। बाकी BGM तो नो डाउट बहुत ही गजब का हॉन्टेड BGM है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो यहाँ पर हमेशा पैट्रिक विल्सन और वीरा फर्मिगा, इन्होंने अपने इस रोल को इतनी अच्छी तरह से निभाया कि कहीं ना कहीं हम लोग इन दोनों की वजह से कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कैरेक्टर्स की मैंने स्टार्टिंग में बात नहीं करी, क्योंकि कैरेक्टर की बात अब मैं करूँगा। देखो यार, एड और लॉरेन ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको हमने पिछले कई सालों से देखा है, समझा है, जाना है, और कहीं ना कहीं इन दोनों की आपस की जो बॉन्डिंग है वो हमको बहुत पसंद आती है। और जब ये लोग किसी सीन में एक साथ नजर आते तो हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि वो सीन कितना पावरफुल है। हम लोग बस ये चीज़ इन्जॉय करते हैं कि यार इसमें हमें एड और लॉरेन देखने को मिला, और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इनके बीच का जो प्यार है, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है, वो आप लोग इस मूवी में साफ साफ फील कर पाते हो, और वही मज़ा आता है यार देखने के लिए। मूवी की अगर एडिटिंग की बात करें तो यार अच्छी तरह से एडिट किया है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के होने के बावजूद भी एक भी सिंगल सीन आपको बोर नहीं करता है। डायरेक्शन अच्छा है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी माइकल चेव्स ने अपनी तरह से कुछ अलग वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया, इस हिसाब से हमको इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि यार जब कॉन्ज्यूरिंग 4 बनेगी तो जेम्स वॉन को वापस से कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे बढ़िया इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को आगे कोई नहीं लेके जा सकता है। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, ये मूवी में आपको कुछ किसिंग सीन देखने को मिलेंगे जो आप लोग घर वालों के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ,
अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन हो तो यार एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन यस इस बार कुछ नया इनोवेटिव उन लोग ने किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, इंजॉय करो और ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि आखिरकार ये एक फिल्म है। और इतना भी क्रिटिसाइज मत करो कि ये लोग कंजूरिंग 4 ना बनाए, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि यही एक ऐसी फ्रेंचाइज है, हॉरर फ्रेंचाइज, जिस पर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि नहीं वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ हमें यूनिक बेटर ही प्रेजेंट करते हैं। तो यार इसलिए इसको एज ए लाइटली वर्जन ऑफ कंजूरिंग यूनिवर्स का ले लो, जिसमें आपको स्टोरी ज़्यादा देखने को मिली, जंप स्केयर सीन कम देखने को मिला। तो यार अब आप लोग समझ चुके होंगे मेरे वीडियो से कि यार मुझे ये मूवी अच्छी लगी और मैं यही चाहता कि आप लोग भी देखो, एक बार ट्राई करो और हाँ रात को हो सके तो अकेले बैठ के देखो, और फिर वो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आप डेफिनेटली समझ लोगे। थिएटर में जब लोग हंसते हैं ना हॉरर मूवी देखते दौरान, तो वो लोग फोसड़ी वाले ना अपने डर को छुपाते हंसी में। और जितनी हॉरर मूवीज मैंने थिएटर में देखी ना, मुझे एक भी बार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने चूतिए लोग हंसना शुरू कर देते कि वो जो डर वाला सीन भी कॉमेडी बन जाता है। तो इसलिए घर पे अकेले बैठ के देखो ये मूवी, फिर बताना मुझे। इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। तो यार बस इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।